जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, डेली हम आपको प्रीवियस ईयर जो SSC GT के एग्जाम हुए थे उसके सलेक्शन करा रहे हैं। तो उसमें आज हम लेके आए हैं आपके लिए, यहाँ देख सकते हो जो आपका 24 नवंबर 2021 को एग्जाम हुआ था SSC GT की, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के SSC GT कॉन्स्टेबल के हमने जो आपके हिंदी में पूछे गए क्वेश्चन थे उन सभी को लेके आए हैं। 25 क्वेश्चन जहां आपको ट्रिक लगेगी वहां ट्रिक से समझाएंगे कि कहां ट्रिक्स है, भी आप इसको हिंदी को भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। ये सबको बता दिए हैं कि देखिए, हिंदी में 9 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, SSC GT एग्जाम में इन्हीं 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 9 टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं, वहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें देखिए बताया गया है कि रिक्तिस्थान भरना। देखिए, रिक्तिस्थान के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो रिक्तिस्थान भरने के लिए आएगा। तो रिक्तिस्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मुर्गा सुबह सुबह खालिस्तान देता है, तो ये आपको बताना है। जब आपने कभी इसे पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हैं कि मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है। तो बहुत से लोग क्या इसमें दहाड़ लगा देते हैं या कुकड़ुक्कू लगा देते हैं, ठीक है। परंतु मुर्गा सुबह सुबह ना तो दहाड़ देता है, ना तो कुकड़ुक्कू करता है, ना ही टरटर करता है। टरटर कौन करता है? मेढक करता है। दहाड़ कौन देता है? शेर देता है। और जो मुर्गा होता है वह क्या देता है? बाघ देता है। सुबह सुबह क्या देता है मुर्गा? बाघ देता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि सुबह सुबह मुर्गा बाघ देता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सुबह सुबह मुर्गा क्या करता है? बाघ देता है। इनको याद करते चलना है। SSC जो होता है वो अपने 70-90% तक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछ सकता है, और खालिस्तान वाले तो जहां तक है सभी वही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है सही वर्तनी बताना है। तो सही वर्तनी में देखिए, षष्ठी की सही वर्तनी बताना है। तो सभी को पता है षष्ठी कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, सा षट्कोण का होना था, इसमें जैसे सलजम वाले तो 2 कट गए, ठीक है। और आखिरी में क्या होना था? ठा ठटरे का होना था। तो ये वाला क्या हो गया? हमारा सही हो गया। आप वीडियो को रोकिए और 3-4 बार आप इसे लिख के देखिए, क्योंकि एक भी अक्षर आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि आप पूरे 40 में 40 नंबर लाए, ठीक है। तो इसको कम से कम रोक के 3 बार लिख के देखना। मैं हर बार कहता हूँ कि जितने भी सही वर्तनी वाले शब्द है उसे रोक के आपको 3 बार लिख के देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसमें आपको बताना क्या है? आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, तो इसमें किस भाग में त्रुटि आपको बताना है, ठीक है, किस भाग में गलती लिखी गई है। तो देखिए, आगामी नहीं होता, आगामी होता है। क्या होता है? ये गलत लिखा हुआ है। ये सही कैसे लिखा आएगा? तो आगामी लिखाता है इस तरीके से, ठीक है, आगामी। तो इसे भी आपको अभी लिख के देखना है, कम से कम 2 बार लिख के देखना है। आगामी जो होता है आने वाला, तो ये देखिए आगामी इस तरीके से लिखाता है, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाले भाग में हमारी क्या है? त्रुटि है, हमने बता दिए है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके सामने रहा, ठीक है। तो इसमें बताना क्या है? प्रतिस्थापित करना है कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ हो सकता है, या देखिए सुन रहा हूँ तो हो नहीं सकता, ना गुन रहा हूँ हो सकता है, ना खा रहा हूँ हो सकता है, क्या हो सकता है? मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो यही वाला क्या होगा? राइट होगा ना। वहां पर प्रतिस्थापित मतलब जमाने से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी हमने सभी को काट के देख लिया, कोई सा नहीं जम रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें आपको बताना है जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे केंद्राभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्राभिसारी कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्राभिसारी हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, केंद्र की ओर जब होगा ना तो केंद्राभिसारी होगा, ठीक है। केंद्र की ओर जब होगा केंद्राभिसारी होगा, और केंद्र से जब दूर जा रहा होगा तो केंद्रापसारी होगा। ये दोनों आपको याद रखना है। जब केंद्र की ओर होगा तो केंद्राभिसारी होगा, और केंद्र से दूर की ओर जा रहा होगा तो केंद्रापसारी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, संकीर्ण का मतलब आप जितना उससे दबा सके, या जितना आप उसे क्या कर सके, दबा के छोटा से छोटा कर सके, संकीर्ण कहलाता है। विस्तीर्ण का मतलब क्या होता है? जितना फैला सके उसे क्या कहते हैं? विस्तीर्ण कहते हैं। अगर बात करें उत्तीर्ण का, तो उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है, उत्तीर्ण का विलोम शब्द। और संकुचित का क्या हो जाएगा? तो देखिये, संकुचित का अगर बात करें
तो संकुचित जैसे कि किसी भी चीज को दबाना होता है, क्या होता है किसी भी चीज को दबाना होता है। और अगर बात करें क्या कह सकते हैं इसे, तो हम विस्तृत कह सकते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। संकुचित मतलब कम से कम करके लिखना है, और विस्तृत मतलब फैला कर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे, इसमें बताना है इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा, तो इसमें क्या त्रुटि है। तो देखिए इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा, इसमें क्या त्रुटि है, तो आपको बताना है। तो यहाँ अलग अलग लिखा, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा इस प्रकरण में। तो देखिए उचित न्याय में क्यों गलती है, अब ये वाला आपको कमेंट में करके बताना है। मैंने हर रोज कहा हूं कि आपको एक बार दूंगा जिसमें आपको एक क्या कहते हैं कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि उचित न्याय की जगह क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है कमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे कि मैं निश्चय रूप से नहीं कर सकता कि वह कब आएगा। तो देखिए मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, इसमें आपको बताना है कि यहाँ क्या लिख सकते हैं। तो देखिए निश्चय तो होता नहीं है, कभी भी क्या यूज किया जाता है, निश्चित यूज किया जाता है। क्या निश्चित यूज किया जाता है कि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, तो यहाँ क्या त्रुटि है। तो देखिए निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता, तो यहाँ देखिए निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, तो इसमें कोई ना कोई गलती होगी। और यहाँ देख सकते हो कि निश्चित रूप में नहीं कह सकता, तो यहाँ मैं नहीं आना था, क्या आना था, से आना था कि निश्चित रूप से नहीं कह सकता, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए निश्चय है तो ये भी गलत हो गया, और देखिए किसी बात की बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि निश्चय की जगह क्या होगा, निश्चित होगा। तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, ये वाला यूज किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया हूं कि सभी को 3 बार याद करके चलना है। तो आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में हमसे, इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर बताइए। तो इतिहास का जो जानकार होता है उसके लिए एक शब्द में उत्तर क्या होता है, इतिहासज्ञ होता है, ठीक है। क्या होता है, इतिहासज्ञ होता है, जो आपको याद कर लेना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। एक शब्द में जो उत्तर होते हैं इन्हें बार बार आपको याद करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इन सभी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए पारस्परिक जो होगा सही वर्तनी में सही होगा। तो हमेशा आप सभी को पता है कि पा में आ की मात्रा आती है पारस्परिक। पहले वीडियो को रोकिए और 3 बार लिख के देखिए, मैंने कहा हूं कि एक भी आपके 40 में से नंबर नहीं कम होंगे यदि आप मेरे हिसाब से चलोगे। तो आपको लिख के 3 बार देखना है जब भी आपको सही वर्तनी वाले क्वेश्चन आए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, तो इसमें क्या जरूरत है, देखिए यहाँ पर अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना है, तो इसमें कोई परिवर्तन की चेंज है क्या, नहीं। क्योंकि देखिए इसमें जो है वो गरिमा गलत लिखा है, ऊपर अम की मात्रा लगी है और इसमें भी अम की मात्रा लगी है, बाकी तो देखिए गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी सेम वर्ड है और ये भी पूरा के पूरा सेम लिखा हुआ है कि गरिमा का, यहाँ बड़ी की मात्रा लगे तो बड़ी की मात्रा तो गलत हो जाएगी, मतलब कि तीनों क्या है गरिमा सही नहीं लिखा है। गरिमा सही कैसे लिखाता है, इसी तरीके से लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गरिमा में ही मिस्टेक थी, इसलिए तीनों वर्ड नहीं यूज किया जाएगा, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें आपको बताना है रिक्त स्थान का विलोम शब्द बताना है। तो रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा, रिक्त का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज खाली, रिक्त का मतलब होता है जैसे कि रिक्त स्थान या खाली स्थान, मतलब खाली चीजों की बात की गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण, खाली यानी कि रिक्त तो पूर्ण हो जाएगा, तो क्या होगा जो खाली चीज है वो क्या होगी, पूर्ण होगी, मतलब भरा गई, तो यही क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया, मनोरथ का पर्यायवाची क्या होगा। तो मनोरथ का पर्यायवाची होता है क्या होता है, कामना होता है, ठीक है। मनोरथ का पर्यायवाची क्या हो जाता है, कामना हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पो बारह होना, देखिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार पूछेगा, ठीक है। पो बारह होना मतलब कि दिन दोगुना और रात चौगुना होना, दिन दोगुना रात चौगुना होना, वही वाली बात है कि खूब लाभ होना या खूब उन्नति होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द बताना है किसका। तो देखिए हमको किसका समानार्थी शब्द बताना है, सोना का। तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हिरण्य होता है, क्या होता है, तो हिरण्य होता है, इतना ध्यान रखना।
तो देखिए सोना का जो हो जाएगा वो हिरण्य हो जाएगा, ठीक है। सोना का क्या हो जाएगा? हिरण्य हो जाएगा। अगर बात करें आपका रत्नाकार, तो रत्नाकार का क्या हो जाएगा? समुद्र सागर होता है। रत्नाकार का क्या हो जाता है? समुद्र सागर हो जाता है, ठीक है। इनको भी नोट करते चलना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो रत्नाकर का क्या हो जाएगा? समुद्र सागर हो जाएगा। कलत्र का मतलब क्या हो जाता है? तो देखिए कलत्र का मतलब हो जाता है पत्नी, ठीक है, पत्नी या बहू। क्या हो जाएगा? पत्नी बहू या प्राण प्रिया हो जाएगा। और ललाभ का क्या हो जाएगा? तो ललाभ का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? ललाभ का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? उत्तम या श्रेष्ठ, उत्तम या श्रेष्ठ होता है। ललाव का मतलब, और सोने का मतलब हिरण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखिए, तो नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर पूछा गया, मृग जैसी आंखों वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो मृग नैनी कहलाती। क्या कहलाती है? मृग जैसी आंखों वाली स्त्री क्या कहलाती है? मृग नैनी कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृग नैनी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर पूछा गया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर जैसे खालिस्तान में कहा गया है, देखिए ऊपर पढ़िए कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है थी। क्या थी? खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ देख सकते हो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो यही वाला यूज किया जाएगा, बाकी तो कोई शरीर नहीं किया जाएगा। तो एक आपका इस बात के है, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया इसमें कि आपको क्या बनना है? रिक्त स्थान बनना है। मनोरंजन को जीवन के लिए उतना ही खालिस्तान है जितना अध्ययन। तो देखिए मनोरंजन जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है, आवश्यक है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप जब पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपको आवश्यक ही वर्ड निकल के आएगा जब आप उसको पूरा पढ़ोगे। तो मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि अध्ययन आवश्यक है। तो आपको इसमें कोई ऐसा नहीं गलती दिखेगी, क्योंकि अनावश्यक तो आएगा नहीं, ना प्रतिबिंधित आएगा। शानदार या आवश्यक में से तो देखिए आवश्यक की आवश्यकता होती, कभी भी शानदार की नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें आपको बताना है वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए। तो देखिए वैसा ही, ठीक है, उच्चारण हमें हिंदी में करनी चाहिए। तो देखिए हिंदी में करना चाहिए, ठीक है, हिंदी में भी करना चाहिए, ठीक है। यहाँ करनी की जगह क्या आएगा? करना आ जाएगा। देखिए करना चाहिए, मैं भी करना चाहिए, तो ये वाले पार्ट में गलती थी हमारे, तीसरा वाला जो पार्ट इसमें गलती थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, हवा से बातें करना मतलब क्या हो जाएगा? तेज गति से चलना होता है। हवा से बातें करना मतलब क्या हो जाता है? तेज गति से चलना होता है। राइट आंसर हो जाएगा तेज गति से चलना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे अब जो पद्यांश और गद्यांश पूछे जाते हैं आपसे, 20 क्वेश्चन तो हमारे जो रहते हैं वो 8 टॉपिक से पूछा जाता है, 9वां टॉपिक हमारा गद्यांश रहता है। इन सभी को देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके बड़े आपको दिमाग से लगाना होता है, यही 5 नंबर आपकी मेरिट में लेके जाते हैं। तो कैसे आपको लगाना होता है? गद्यांश में आपको कभी भी 3 लाइन तक आपको पहले पढ़ते जाना है। और आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के खालिस्तान द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का खालिस्तान कलाव के रूप में कलाव के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की खालिस्तान शक्तियां बढ़ तो बहुत गई है, लेकिन कलाओं की खालिस्तान कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। तो देखिए जैसे ज्ञान का संशोधन और बहिष्कार विज्ञान के खालिस्तान द्वारा होता है, तो विज्ञान के खालिस्तान के द्वारा होता है। तो देखिए ज्ञान का जो है संशोधन और परिष्कार किसके द्वारा होगा? क्या यंत्रों के द्वारा होगा? नहीं, उद्योगों के द्वारा तो 100% है कि नहीं होगा, ना कि उपकरण के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा ही हमें ज्ञान का संशोधन और परिष्कार प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का, देखिए स्वभाव का खालिस्तान कलाओं के द्वारा किया जाता है। तो क्या किया जाता है? शुरू में ही बता दिया क्या किया जाता है, मनुष्य की जो स्वभाव होता है उसका क्या किया जाता है? परिष्कार किया जाता है। क्या किया जाता है? परिष्कार किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की खालिस्तान शक्तियां बढ़ तो गई, बहुत गई है। तो क्या बढ़ गई है? देखिए जब केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेगा मनुष्य, तो क्या बढ़ेगी? इसकी आर्थिक स्थिति तो बढ़ेगी नहीं जब परिष्कार और ध्येय बनाएगा, तो शारीरिक भी नहीं बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इसकी मानसिक स्थिति बढ़ेगी। क्या बनेगी? मानसिक स्थिति बढ़ जाएगी। इसके स्वभाव के कारण क्या होगा? मानसिक स्थिति बढ़ेगी। लेकिन कलाओं की खालिस्तान कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो जाती है। तो देखिए जो कलाओं की, लेकिन कलाओं की क्या है? उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा आएगा, ना कि अपेक्षा तो यूज नहीं किया जाता, ना तुलना ना प्रशंसा, ठीक है।
लेकिन कलाओं की उपेक्षा खारिज कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है। क्या बना देती है? कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है। और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपने ही खालिस्तान का शिकार हो रहा है। तो किसका शिकार हो रहा है? तो देखिए, कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है, तो किसका शिकार होगा? मनुष्य चारों ओर से अपनी जड़ता का शिकार होता है। ठीक है, किसका? जड़ता का शिकार होता है। बस आपको देखते चलना पेशेज में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, और अगर ऑप्शन में वही वर्ड आता है तो वही उसका क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जड़ की बात हुई तो यहाँ जड़ता आ जाएगा। देखिए है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें तो ध्येय और परिष्कार और उन्नति के कारण क्या होगी? आपकी उपेक्षा होगी, ये तो आप सभी को पता है। तुलना की बात तो नहीं की गई है। अब देखिए, मानसिक कोई भी जो आपका यहाँ पर संशोधन करेगा, विज्ञान आपका जो ज्ञान का करेगा, तो ज्ञान कहाँ होता है? मानसिक ज्ञान की बात होती है ना, बाकी इनकी कोई की बात होती क्या? नहीं। अगर देखिए यहाँ पर परिष्कार शब्द का यूज किया गया तो परिष्कार का बात आ जाएगा। ठीक है, और कोई से वर्ड का यूज नहीं किया गया है। और यहाँ देखिए प्रयोगों का क्या होगा, जब आपका विज्ञान के द्वारा प्रयोग किया जाएगा तो आपका जो उन्नति और परिष्कार के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, हमारे जो है वो 25 क्वेश्चन हिंदी के डेली हम आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करा रहे हैं। आज भी हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर दबंग क्लासेस सर्च करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या? दबंग क्लासेस यहाँ पर सर्च करके आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने जैसा कहा है कि हिंदी में आपको 40 में 40 नंबर लाने का वादा दिलाया है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और उसके बीच में जो भी चीज आपको बताई जाती है उन्हें जरूर करना है। जैसे कि एक शब्द का उत्तर हुआ, वे सभी आपको करना है। यदि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल के नीचे आपको क्या दी गई है? लिंक दी गई है, वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, वहां से जाकर भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, और उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।